पुलिस की गिरफ्त में आए ये अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं, जो वेब सीरीज देखकर गुनाहों के रास्ते पर निकल पड़े थे। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। फैज खान, आयुष गुप्ता, शिबू खान, आदित्य गुप्ता और हरिओम। नकली नोटों का इनका कारोबार दिल्ली से बिहार तक फैला हुआ था। पुलिस ने 6,48,000 रुपए के नकली नोटों के साथ मोबाइल और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। आगामी चुनाव के पहले अभी थाना सेक्टर 24 की पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें करीब करीब 6.5 लाख रुपए के नकली नोट की बरामदगी हुई है, जिसमें मुख्यतः नोट 500 रुपए के हैं और कुछ नोट 2000 रुपए के भी और 200 रुपए के नोट भी हैं। ये 5 लोग यहाँ पे हिरासत में लिए गए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसमें 3 लोग को वॉन्टेड भी किया है, जो नोट छापने का मुख्य काम करते थे, जिसमें एक सिंघानिया है जो छपरा बिहार से है, एक पोला है जो दिल्ली से है और एक मोबिन है जो कि लखनऊ में इस समय है और ये वांछित है। इन लोगों की जांच जारी है, अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस गैंग का सरगना भी गिरफ्तार है, वो कुवैत से बैठकर नकली नोटों का धंधा भारत में चला रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एक वेब सीरीज देखकर नकली नोट छापने का धंधा शुरू किया था। गिरफ्तार आरोपियों से अब ATS और कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। इस गैंग का सरगना फैज खान है, जो कुवैत में रहता था और मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। इनके पास से पुलिस ने 6,48,000 के नकली नोट बरामद किए हैं, जिनमें 2000, 500 और 200 रुपए के नोट भी शामिल हैं। ये लोग अपना ज्यादातर काम वर्चुअल नंबर बनाकर उससे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाते थे, जिससे लोग आपराधिक को अंजाम देते थे और साथ ही साथ ये लोग इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाते थे और उससे इंस्पायर होते थे। और एक अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले एक वेब सीरीज भी आई थी जो फर्जी नोटों पे थी, तो उससे भी ये लोग इंस्पायर हुए थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी नकली नोट का सारा कारोबार व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए करते थे। पुलिस का कहना है कि फैज कुवैत में रहकर नकली नोट बनाता था और बिहार में रहने वाले अपने गैंग के परिचितों के जरिए नकली नोट को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलाता था, इसके बदले मोटा कमीशन देता था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि गिरफ्तार आरोपियों के तार कहीं पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों और देशद्रोही ताकतों से तो नहीं जुड़े।